हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता डिजिटल डायरीज। और गाइस, आज मैंने बेसन से नाश्ता बनाया है। इसे बनाने में मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगेंगे। ये नाश्ता बहुत सॉफ्ट भी होगा और क्रिस्पी भी होगा। और तो और सारी इंग्रेडिएंट्स आपको घर पे आराम से मिल जाएंगे और बहुत ही जल्दी में आप इसे बना लोगे। तो चलिए गाइस, बनाना स्टार्ट करते हैं। इस नाश्ता को बनाने के लिए हमने 4 उबले हुए आलू लिए हैं और उन्हें मैश कर लिया है। फ्लेवरिंग के लिए स्वाद अनुसार नमक डाला है। आप इसमें अजवाइन जरूर डालना, सुबह सुबह डाइजेशन के लिए अच्छी होगी। हमने यहाँ पर आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, खट्टा करने के लिए आधा चम्मच आमचूर का पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर और 2 कटी हुई हरी मिर्च डाली है। हमने इसमें फ्रेशली कटा हुआ धनिया भी डाला है और इन सब को अच्छे से मैश करके इसका एक सिंपल और बेसिक कॉम्बिनेशन बनाना है, तभी इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया मिलेगा। फिर जल्दी से हम बैटर बना लेते हैं। बैटर बनाने के लिए हमने एक बाउल लिया है, उसमें हमने आधा कटोरा बेसन डाला है और 2 चम्मच गेहूं का आटा लिया है। हमने इसमें थोड़ा सा नमक और कलर के लिए आधा चम्मच हल्दी का पाउडर डाला है। बैटर बनाने के लिए बेसन में पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है। ऐसा करने से गुठलियाँ नहीं बनती है और बैटर अच्छा बनता है। हमें बैटर को ना तो ज़्यादा गाढ़ा बनाना है और ना ही ज़्यादा पतला। हमें बैटर मीडियम फ्लेम वाला बनाना है। अब लास्ट प्रिपरेशन कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर 6 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। अब हमने आलू का जो मसाला बनाया था उसे ब्रेड के चारों तरफ चम्मच से प्रेस करके डालेंगे और आलू के मसाले को ज़्यादा नहीं भरना है, नहीं तो आप इससे सैंडविच अच्छा से नहीं बना पाओगे। इस तरह बाकी बचे ब्रेड के स्लाइसेस में भी हम आलू के मसाले को चम्मच से प्रेस करके डालेंगे। हमारी सारी प्रिपरेशन हो गई है। बस बनाने से पहले इसमें आधा चम्मच बेकिंग पाउडर डालना है, फिर थोड़ा सा पानी डालकर उसे फेंट लेना है। पानी डालने से बेकिंग पाउडर पानी में बहुत अच्छे से फैलता है, जिससे कि एरिएशन अच्छे से आती है। फिर मैंने फ्राइंग पैन पर थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाला है और उसे अच्छे से चारों तरफ फैला लेंगे। फिर बैटर को हमें ऐसे पोर कर देना है। फिर जहाँ पर आलू की साइड है उस साइड को बैटर पर चिपका देना है। फिर ढक कर 2 मिनट एक साइड पकानी है। 2 मिनट बाद हमें इसे फ्लिप कर देना है। और रही बात गैस की, तो मेरी जो गैस है वो लो फ्लेम पर है। लो फ्लेम पर रहेगी तभी तो ब्रेड क्रिस्पी बनेगी। फिर जब इसका ढक्कन खोलकर फ्लिप करोगे ना, तो आप देखोगे कि ब्रेड कितनी क्रिस्पी बनी है। फिर इसे फ्लिप करेंगे और स्ट्रीट स्टाइल में बनाने के लिए वैसे ही कटिंग करेंगे। हमें ब्रेड के चारों तरफ इस तरह से कटिंग करनी है। इसे डेकोरेट करने के लिए हमने सबसे पहले सेजवान सॉस लिया है।
फिर टोमेटो सॉस को इसके चारों तरफ लगाना है। फिर प्याज टमाटर और मिर्चा डालेंगे। आप अपने हिसाब से प्याज टमाटर और मिर्चा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डालेंगे। फिर आलू भुजिया डालेंगे। फिर हमने फ्राई किया हुआ बादाम डाला है, आप चाहे तो इसे डाल सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं। फिर हमने इसमें धनिया पत्ता डाला है। फिर हमने इसमें चिल्ली फ्लेक्स डाला है। हमारा बेसन का सैंडविच तैयार है और आप देख सकते हो कि ये कितना क्रिस्पी बना है। तो आप भी इसे घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत ही टेस्टी लगता है और अनहेल्दी भी नहीं है, और सुबह सुबह ये आपको बहुत एनर्जी भी देगा। तो एक बार आप इसे बनाकर ज़रूर देखना, आपको ये बहुत पसंद आएगा। सो गाइस, आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा।